सिनेमा शो में आज बात करेंगे शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी की, जिसका टीजर आ गया है। बताएंगे पठान से सेंसर बोर्ड कौन कौन से सीन हटवाना चाहता है और अक्षय कुमार ने क्यों छोड़ी फिल्म गोरखा, सब पर बात करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मार्वल की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर थिएटर्स के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इसे 1 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकेंगे। एक्टर टॉम हैंक्स फिल्म अ मैन कॉल्ड ओटो में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर बात करते हुए टॉम ने कहा कि वो एक सेल्फिश एक्टर हैं। उन्होंने कहा, देखिए मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटेटिव भी हूँ और मुझे पता है अच्छे रोल्स कौन से हैं। जब मुझे पता होता है कि अच्छे रोल्स कौन से हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुझे किसी और को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उस रोल के लिए मुझे क्या करना है। मार्वल की फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स बनने वाले एक्टर डेव बटिस्टा ने बताया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी आखिरी मार्वल फिल्म होगी। जीक्यू मैगजीन को दी इंटरव्यू में डेव ने बताया कि वो अब दूसरे रोल्स में खुद को देखना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रैक्स के रोल को छोड़ रहे हैं। बीते दिनों पठान का ट्रेलर वायरल होने की खबर आई, हालांकि बाद में पता चला कि वो एक पुराने विज्ञापन की क्लिप मात्र थी। मगर अब फाइनली पता चल गया है कि पठान का ट्रेलर कब आएगा। तरुण आदर्श की ट्वीट के मुताबिक पठान का ट्रेलर 10 जनवरी को आएगा। कांतारा के एक्टर किशोर का ट्विटर अकाउंट पिछले दिनों सस्पेंड हो गया था। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि किशोर के एक ट्वीट की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब किशोर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके पूरे मामले को बताया। उन्होंने बताया कि किसी पोस्ट की वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया गया था, बल्कि 20 दिसंबर 2022 को उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसके बाद ट्विटर ने जरूरी एक्शन लिया था। इसी एक्शन के बाद उनकी प्रोफाइल पर सस्पेंडेड अकाउंट लिखा दिखने लगा था। शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी का टीजर आ गया। द फैमिली मैन बनाने वाले राजन डीके ने इस शो को भी डायरेक्ट किया है। टीजर में शाहिद पेंटिंग करते नजर आ रहे हैं। शो में शाहिद के अलावा विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन और भुवन अरोड़ा भी नजर आएंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज के लिए शेड्यूल है, मगर इससे पहले देश भर में फिल्म का अलग अलग कारणों से विरोध हो रहा है। कल देर रात गुजरात के अहमदाबाद से एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मॉल के अंदर कुछ लोग पठान के पोस्टर्स को तोड़ते और शाहरुख दीपिका के कटआउट को गिराते दिख रहे हैं। ये वीडियो बजरंग दल गुजरात के अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख खान को लोग गाली भी दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने 2021 में अपनी फिल्म गोरखा की अनाउंसमेंट की थी। मूवी का फर्स्ट लुक भी शेयर किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो इस प्रोजेक्ट से अलग हो चुके हैं। मूवी में अक्षय मेजर जनरल इयान कार्डोजो के रोल में दिखने वाले थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना चाहते जिसे लेकर आगे कोई विवाद हो। शाहरुख खान की फिल्म पठान में सेंसर बोर्ड ने 10 कट्स लगवाए हैं। इन बदलावों में बेशर्म रंग गाने के कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स को भी रिप्लेस करने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में ड्रॉ शब्द को हमारे से, लंगड़े लूले शब्द को टूटे फूटे से, पीएम को प्रेसिडेंट या मिनिस्टर से रिप्लेस करने को बोला गया है। साथ ही पीएमओ शब्द को 13 जगह से हटाया जाएगा। वहीं अशोक चक्र को वीर पुरस्कार से, मिसेस भारत माता को हमारी भारत माता शब्द से रिप्लेस किया जाएगा। बेशर्म रंग गाने से दीपिका के क्लोजअप शॉट्स को और साइड पोस्ट के लिए किए गए शॉट्स को निकाला जाएगा। जी स्टूडियो ने साल 2023 में आने वाली अपनी फिल्मों और सीरीज के फर्स्ट लुक को शेयर किया, जिसमें गदर 2 से सनी देओल का फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है। इस फोटो में सनी देओल एक्शन करते दिख रहे हैं। गदर 2 में इस बार भी सनी के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। कांतारा के एक्टर किशोर ने KGF 2 को माइंडलेस पिक्चर कह दिया है। उन्होंने कहा कि वो KGF 2 जैसी फिल्मों के लिए नहीं बने। इंडिया टुडे से बात करते हुए किशोर ने कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैंने KGF 2 नहीं देखी, वो मेरे टाइप का सिनेमा नहीं है। ये तो एक पर्सनल चॉइस है, मैं किसी माइंडलेस मूवी से बेहतर छोटे बजट की छोटी पिक्चर देखना पसंद करूंगा, जो ज़्यादा सक्सेसफुल ना रही हो लेकिन बड़े और सीरियस मैटर पर बनी हो। दीपिका पादुकोण के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के से उनका फर्स्ट लुक आया है, जिसमें दीपिका छोटे बाल में दिख रही हैं। वहीं शाहरुख खान ने पठान फिल्म से दीपिका का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें दीपिका बंदूक लेकर खड़ी हैं। दीपिका को हमारी तरफ से जन्मदिन की टोकरी भर बधाई। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जल्दी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आएंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने मुंबई के यशराज स्टूडियो के 3 फ्लोर बुक करवाए हैं, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को शूट किया जाएगा। ये एक टनल के अंदर का सीन होगा, जिसका सेट बनाया जा रहा है। बीते दिनों सोनू सूद ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर ट्रैवल करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को रीशेयर करते हुए रेलवे ने सोनू को प्यार से चपत लगाई थी। कहा था कि देश उन्हें आदर्श मानता है तो वो ऐसी हरकत ना करे, ऐसा खतरनाक हो सकता है। अब इसी मामले में सोनू ने रेलवे से माफ़ी मांगी है। ट्वीट करके कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं इसके लिए।
बस में उन लाखों गरीबों का दर्द महसूस करने के लिए बैठ गए थे जिनकी जिंदगी ट्रेन के दरवाजों पर गुजरती है। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।